नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं जाने वाला हूं बागुई हाटी में और आज मैं आप लोगों को एक 2 BHK फ्लैट दिखाने वाला हूं जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 860 स्क्वायर फीट। ये फ्लैट आपको मैं दिखाऊंगा एक स्टैंड अलोन G+6 बिल्डिंग में और ये फ्लैट आपका इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर में होने वाला है। इसके ऊपर भी एक फ्लैट है, ये आपको टॉप फ्लोर फ्लैट नहीं दिखाऊंगा आज मैं, टॉप फ्लोर के नीचे वाला फ्लैट मिलेगा। बिल्डिंग है G+6 और फ्लैट आपको मिलने वाला है 5th फ्लोर के ऊपर। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देता हूं, ये एग्जैक्टली पड़ेगा आपका नारायण तल्ला कॉलेज मोड़। यहां पे जो लैंडमार्क है आपका स्वस्तिक लेडीज हॉस्टल के काफी नजदीक आपको ये वाला अपार्टमेंट मिल जा रहा है और 1 मिनट के डिस्टेंस पे आपको यहाँ से 44 बस स्टैंड मिलेगा। आपको 7 मिनट के डिस्टेंस पे चारनोक हॉस्पिटल मिल जा रहा है और यहाँ से आपको एयरपोर्ट जो है वो मात्र 15 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर बागुई हाटी एरिया में कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो ये वाला लोकेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में उस लोकेशन को कमेंट कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से लोकेशन पे कितने बजट में आप लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढ के उसका वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि आपको आपके हिसाब की प्रॉपर्टी मिल सके। और आप लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हैं और अगर आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जल्दी से फोन कीजिए, हमें बुलाइए, हम आएंगे आपकी प्रॉपर्टी का इसी तरीके का वीडियो बनाएंगे और उसे YouTube, Facebook और Instagram के जरिए प्रमोट करके जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉपर्टी को बेचने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करके करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों ये है आपका बिल्डिंग का आउटर व्यू, ये एक G+6 बिल्डिंग है और ये है आपका बिल्डिंग के सामने का रास्ता। आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रास्ता है, यहाँ पे एक 4 व्हीलर आराम से आ सकती है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे CCTV भी आपको मिल जा रहा है इस बिल्डिंग में। ये है इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये है आपका मेन एंट्रेंस, यहाँ कॉलेप्सिबल गेट लगा हुआ है, यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। इस तरफ आपका ये है लिफ्ट एरिया और ये है आपका स्टेयर्स। तो अभी लिफ्ट यहाँ पे लगा नहीं है, काम चल रहा है, तो स्टेयर से ही हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं 5th फ्लोर के ऊपर, एज अभी यहाँ पे लिफ्ट का काम चल रहा है इसीलिए लिफ्ट से नहीं आ सके। यहाँ पे ये है आपका कॉमन पैसेज, मार्बल फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। तो यहाँ पे 1 फ्लोर में 2 ही फ्लैट आपको मिलेंगे। ये जो फ्लैट है ये एक छोटा फ्लैट है, 670 स्क्वायर फीट, ये भी मिल जाएगा लेकिन ये कवर नहीं करेंगे। अगर आप लोग आएंगे देखने तो ये भी दिखा देंगे। ये वाला जो फ्लैट आप देख रहे हैं यही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर जाने से पहले इस फ्लैट का जो एंट्रेंस है हम लोग कॉम्पास में देख लेते हैं। वेस्ट एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मेन डोर आपको मिल रहा है, आपको एक प्लाईवुड डोर मिलेगा जिसके ऊपर यहाँ पे पेंट किया हुआ है। तो ये एक 2 BHK फ्लैट है जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 860 स्क्वायर फीट और ये फ्लैट आपको एक G+6 बिल्डिंग में मिल जाएगा। ये फ्लैट आपको मिल रहा है इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे, ये टॉप फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर भी एक फ्लैट आपको मिलेगा। तो चलिए इस फ्लैट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरिंग आपको मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल्स आपको मिल जा रहा है। तो ये एंटर होने के साथ ही आपको एक लिविंग डाइनिंग यहाँ पे मिल रहा है जिसका साइज है आपका 16x12 का एक लिविंग डाइनिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा टोटल 2 विंडो। विंडो का जो फेसिंग है हम लोग देख लेते हैं, साउथ फेसिंग विंडो मिल रहा है विच इज अ वेरी गुड फेसिंग। इसे जो व्यू है आपको दिखा देता हूँ, एक सिटी व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस तरफ आपको मिल रहा है सेकेंड विंडो। चलिए अब देख लेते हैं इस फ्लैट का हमारा जो कॉमन वॉशरूम है जिसका साइज है आपका 8x3,
8x3 का एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पीवीसी डोर आपको मिल जा रहा है। इस वॉशरूम में आपको एंटेस के टाइल्स मिल जाएगा। यहाँ पे अभी बाथरूम फिटिंग्स का काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। वॉल में देख सकते हैं पूरा ऊपर तक यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। यहाँ पे एक विंडो मिलेगा, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है और यहाँ पे गीजर के लिए पॉइंट है। और इस वॉशरूम के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे एक लॉफ्ट एरिया मिल जाएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों इस फ्लैट का हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है, और इस फर्स्ट बेडरूम का जो साइज है वो आपको 11x10 का मिल जाएगा। 11x10 का एक फर्स्ट बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इस बेडरूम में आपको टोटल 2 विंडो यहाँ पे मिल जाएंगे। इस विंडो का जो फेसिंग है साउथ फेसिंग, बहुत अच्छा फेसिंग है। इस विंडो का जो फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इस विंडो से जो व्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा मेन रोड नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अब बैल्कनी हम लोग देख लेते हैं। और इस बैल्कनी का जो साइज आपको मिलने वाला है वो आपको 11x2 का मिल जाएगा। 11x2 का एक बैल्कनी मिल रहा है। लंबाई में लंबी है, चौड़ाई में थोड़ा कम है। और इस बैल्कनी से जो व्यू है आप देख सकते हैं, रोड फेसिंग बैल्कनी आपको मिल रहा है। फ्रंट फेसिंग बिल्डिंग का ये फ्लैट है, पूरा सिटी व्यू यहाँ से नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों निकलते हैं इस फर्स्ट बेडरूम से, और इसके ठीक बगल में आपको दिखाता हूं मैं इस फ्लैट का हमारा सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज है आपका 12x11। 12x11 का एक सेकेंड बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसमें भी आपको टोटल 2 विंडो मिलेंगे। इस विंडो का जो फेसिंग है वेस्ट फेसिंग मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं वार्डरोब बनाने के लिए जगह है। और ये जो विंडो है इसका फेसिंग आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट। इस विंडो से जो व्यू है देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे रोड नजर आ रहा है। हर रूम से आपको यहाँ पे रोड लेकिन नजर आ रहा है। तो जैसा कि ये मास्टर बेडरूम है, इसमें आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम, और इसका जो साइज है वो आपको 7x3 का मिल जाएगा। 7x3 का अटैच वॉशरूम यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पीवीसी डोर आपको मिल रहा है। यहाँ पे फ्लोरिंग में एंटीस की टाइल्स मिल जा रहा है। वॉल में आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक टाइल्स लगा हुआ है। यहाँ पे 2 मार्बल का स्लैब बैठाया हुआ है। इसमें भी अभी तक बाथरूम फिटिंग्स लगा नहीं है। यहाँ पे एक छोटा विंडो है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है। तो चलिए दोस्तों अब निकलेंगे इस सेकेंड बेडरूम से, और इसके ठीक बगल में आपको दिखा देता हूँ इस फ्लैट का हमारा किचन एरिया, जो कि एक ओपन किचन है, जिसका साइज है आपका 7x4। 7x4 का एक ओपन किचन आपको यहाँ मिल रहा है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स लगा के काम किया हुआ है। यहाँ पे एक बेसिन लगा के दिया जाएगा। और इस किचन में जो स्लैब आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैक मार्बल का स्लैब मिल रहा है। यहाँ पे वॉल में देख सकते हैं टाइल्स लगा के यहाँ पे काम किया हुआ है। और इस किचन में आपको एक विंडो मिलेगा जिसका फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है। तो दोस्तों आप लोगों को 860 स्क्वायर फीट का 2BHK फ्लैट मैंने अभी दिखाया, जो कि आपको इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे दिखाया हूँ। ये सेम फ्लैट आपको इस बिल्डिंग में 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पे मिल जा रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको इस बिल्डिंग में एक 600 स्क्वायर फीट का लेआउट भी मिलने वाला है। वो फ्लैट आपको इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पे मिल जाएगा। यानी कि टोटल 5 फ्लैट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ये फ्लैट अगर पसंद आता है और आप लोग अगर अपना साइट विजिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपना साइट विजिट बुकिंग कर सकते हैं। और इस फ्लैट का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फ्लैट का प्राइस यहाँ पे आपको 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। तो आप लोग उस हिसाब से 860 स्क्वायर फीट और 670 स्क्वायर फीट को 4000 से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल प्राइस क्या आ रहा है। और आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग अगर मेरे इस तरीके के वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर नेम है वो फ्लैश हो रहा है। आप लोग जल्दी से जाइए और हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है
तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे मेरे शॉर्ट वीडियोज आते हैं, तो आप लोग वो शॉर्ट वीडियोज विद इन 1 मिनट रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको 1 मिनट के अंदर प्रॉपर्टी का टूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आए तो लाइक करिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए लोकेशन पे किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।